नमस्कार, मैं हूं मित्र गैजेट्सवरी को एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फाइनली नोकिया 6.1 प्लस या फिर आप कह सकते हैं नोकिया X6 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में लॉन्च हुआ है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऑलमोस्ट 20,000 की प्राइस में इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यह फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है सिर्फ 15,999 की प्राइस में, जहां पे आपको मिलता है 4GB रैम और 64GB का स्टोरेज। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी फोन के बारे में, साथ ही कंपैरिजन करेंगे Redmi Note 5 Pro और Mi A2 से कि क्या Nokia 6.1 Plus रिप्लेस कर सकता है Mi A2 या फिर Redmi Note 5 Pro को। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। Nokia 6.1 Plus की स्पेसिफिकेशन आप ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि यही फोन Nokia X6 के नाम से चाइना में ऑलरेडी 2 महीने पहले लॉन्च हो गया था। इस फोन का काफी ज्यादा हाइप था इंडिया में, तो सभी लोग इसके बारे में जरूर जानते होंगे। चलिए फिर भी एक बार एक जल्दी से क्विक स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इस फोन में आपको मिलता है 5.8 इंच का एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जो कि आता है 19:9 स्क्रीन रेशियो के साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक नॉच वाला डिस्प्ले। अगर हम बात करते हैं डिजाइन की, तो वो काफी प्रीमियम दिखता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है ग्लास और मेटल का कॉम्बिनेशन, बैक साइड से दिया गया है ग्लास डिजाइन, तो नो डाउट इस फोन का डिजाइन काफी अच्छा है। हम बात करें इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो आपको बता दें इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 636 चिपसेट। इस फोन में इंडिया में आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि है 4GB रैम 64GB स्टोरेज। अगर आप चाहें तो मेमोरी को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट भी देखने को मिलता है। कैमरे की बात करते हैं, तो ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पे आपको मिलता है 16+5 MP का ड्यूल रियर कैमरा, और फ्रंट कैमरा भी दिया गया है 16 MP का। बात करें इस फोन की बैटरी की, तो आपको बता दें इस फोन में आपको मिलता है 3060 mAh का बैटरी, जो कि सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को, और इस फोन में आपको USB टाइप सी पोर्ट चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं एंड्रॉइड वर्जन की, तो अभी आपको आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिलेगा एंड्रॉइड का 8.1 मिस ऑरियो, लेकिन ये स्टॉक एंड्रॉइड पे काम करता है, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपग्रेड भी बहुत ही जल्द मिलते हैं। तो ये है कंप्लीट पैकेज Nokia 6.1 Plus का। अब अगर हम इसे कंपेयर करते हैं Redmi Note 5 Pro से, तो Nokia 6.1 Plus थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि सबसे पहले डिजाइन, नो डाउट आपको Nokia 6.1 Plus का डिजाइन बेटर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है ग्लास और मेटल का कॉम्बिनेशन, जो कि काफी प्रीमियम डिजाइन लगता है, और फ्रंट साइड से भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है नॉच वाला डिस्प्ले, तो काफी मॉडर्न लुक आपको देखने को मिल जाता है। जबकि Redmi Note 5 Pro में वही पुराना डिजाइन आपको देखने को मिलता है, जो कि हम काफी सारे फोन में देख चुके हैं। बात करें इस फोन के कैमरास की, तो वो भी बेटर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहा है 16+5 MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, जबकि Redmi Note 5 Pro में दिया गया है 12+5 MP का। हालांकि अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो वो हो सकता है कि Redmi Note 5 Pro का बेटर हो, क्योंकि वहाँ पे 20 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जबकि Nokia 6.1 Plus मिलता है 16 MP का। अब अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो वो ऑलमोस्ट सेम होगी दोनों ही फोन्स में, कि दोनों ही फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 636 चिपसेट, जो कि आता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में। दोनों ही फोन में आपको मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट। और अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चला जाता है Nokia 6.1 Plus, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है 3060 mAh का बैटरी, जबकि Redmi Note 5 Pro में दिया गया है 4000 mAh का बैटरी। दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं फास्ट चार्जिंग को, लेकिन चार्जिंग पोर्ट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि Nokia 6.1 Plus में दिया गया है USB टाइप सी पोर्ट, जबकि आपको Redmi Note 5 Pro मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में आपको Nokia 6.1 Plus बेटर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अब Redmi Note 5 Pro काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है, ऑलमोस्ट इसी प्राइस में आपको बहुत सारे फ़ोन देखने को मिल जाते हैं, और अगर आप Nokia के फ़ैन हैं, तो नो डाउट Nokia का 6.1 Plus तो उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं Mi A2 की, तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट में Nokia का 6.1 Plus आगे है, जबकि कुछ पॉइंट में Mi A2 आगे है। सबसे पहले बात करते हैं फोन की डिजाइन की, तो नो डाउट हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इस फोन का डिजाइन काफी प्रीमियम है, और Mi A2 का डिजाइन भी आपको वैसे ही देखने को मिलता है जैसे कि हमने देखा था Redmi Note 5 Pro में। तो डिजाइन में Nokia 6.1 Plus बेटर है। बात करें फोन की परफॉर्मेंस की, तो वहां पे Mi A2 बेटर हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट, जबकि Nokia 6.1 Plus में मिलता है स्नैपड्रैगन का 636 चिपसेट। कैमरे की बात करें, तो मेरे हिसाब से दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि कैमरे की बात हम ऑन पेपर नहीं कर सकते, जब हमारे पास प्रैक्टिकल फोन अवेलेबल होंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। बात करें सिम स्लॉट की, तो वहां पे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि Nokia 6.1 Plus में दिया गया है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, जबकि Mi A2 में आपको ड्यूल सिम का ही सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही फोन्स में है USB टाइप सी पोर्ट। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स में आ गया है Nokia का 6.1 Plus और कुछ पॉइंट्स में आ गया है Mi A2। तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया है मार्केट में। अगर हम बात करते हैं 15, 16, 17, 18 हज़ार की प्राइस में, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला है। लेकिन मेरे हिसाब से
MI A2 और Redmi Note 5 Pro से बेटर होगा Nokia का 6.1 Plus। हालांकि बहुत ही जल्द हमारे पास प्रैक्टिकल फ़ोन भी आ जाएगा, हम आपको इसका अनबॉक्सिंग, इसके कंपैरिजन वीडियो, इसके रिव्यूज़ सारी चीज़ें देने वाले हैं, तो आप ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। आप क्या सोचते हैं Nokia 6.1 Plus के बारे में नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है और कोई सवाल है सोचा तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ है।